हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है लाइव शिक्षा ट्यूब में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जो रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल तैयार किया हुआ है। अगर आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये प्रैक्टिस सेट हम डेली सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच अपलोड करते हैं, और इसको हम एक टेस्ट सीरीज की तरह बना रखा है। मतलब ये हुआ कि अगर आपने 16 से 20 क्वेश्चन सही किए तो आपको कैटेगरी ए में दी जाती है, और अगर 12 से 16 क्वेश्चन सही होते हैं तो कैटेगरी बी, और 8 से 12 वालों को कैटेगरी सी और बाकी को कैटेगरी डी दी जाती है। इसके अंदर टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, टोटल हमने 6 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। आज के प्रैक्टिस सेट के अलावा अभी तक 5ों प्रैक्टिस सेट वायरल हो चुके हैं। तो हमारे चैनल लाइव शिक्षा ट्यूब को आप प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सुबह डेली एक नोटिफिकेशन के थ्रू एक जीके का या जनरल साइंस का या रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट सोल्व करने की सहायता मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम होती है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्फा किरण, ऑप्शन बी बीटा किरण, ऑप्शन सी गामा किरण, और ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आयतन क्षमता सबसे कम गामा किरण की होती है, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी गामा किरण। क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन व प्रोटॉन, और ऑप्शन डी रहेगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन। तो दोस्तों, परमाणु का द्रव्यमान सामान्यतः न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की मौलिक कणों पर निर्भर करता है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों, इसके लिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, और ऑप्शन डी कार्बन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चन सही होते हैं तो उसको मार्क एक दे दीजिएगा, और अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो आप 0 मार्क्स इंक्लूड कर लीजिए। लास्ट में हम टोटल करेंगे कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाइट्राइट के रूप में, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में, और ऑप्शन डी नाइट्रेट्स के रूप में। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नाइट्रेट्स के रूप में। दोस्तों, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में काम में लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जनरल साइंस के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बेहद सिंपल होते हैं, उसको रियल लाइफ से जोड़िए ताकि आपको जल्द से जल्द आंसर मिल सके। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलय विलायक कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पानी को, ऑप्शन बी बेंजीन को, और ऑप्शन सी एल्कोहल को, ऑप्शन डी रहेगा अम्ल को। तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन ए पानी। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अति शीतित द्रव है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी कांच, और ऑप्शन सी आइसक्रीम, ऑप्शन डी अमोनिया। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कांच। कांच अति शीतित द्रव्य है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरस एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बैटरी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? हमारे पास ऑप्शन है,
ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी फ्रियोन और ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में सबसे प्रमुख रहती है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी रहती है? दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत जनरल और बेसिक क्वेश्चन आते हैं, पर बहुत से स्टूडेंट इसको गलत करके आ जाते हैं क्योंकि वो लोग जनरल साइंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल साइंस पे आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। आप ये मत सोचिए कि इसको 5 दिन में या 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। आप कंप्लीट कर सकेंगे पर अच्छे मार्क्स नहीं ला सकेंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं कि 25 से 29 मार्क्स आपके जनरल साइंस पे डिपेंड करते हैं, तो इसको काफी ध्यान पूर्वक कीजिए। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी हीलियम। गुब्बारों में, मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पौधे, ऑप्शन बी चट्टाने, ऑप्शन सी जीवाश्म और ऑप्शन डी रहेगा ये सभी। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा कहलाती है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आइसोथर्मल्स, ऑप्शन बी आइसोकोर्स, ऑप्शन सी आइसोकर्व्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आइसोथर्मल्स। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। तापमान एवं दबाव की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसके लिए हमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए बोयल नियम, ऑप्शन बी चार्ल्स नियम, ऑप्शन सी अवोगाद्रो नियम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अवोगाद्रो नियम। अवोगाद्रो नियम के अनुसार तापमान एवं दबाव की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, मतलब इक्वल होती है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेंडेलिफ, ऑप्शन बी डोबेरेनर, ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन डी न्यूलैंड्स ने। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी डोबेरेनर ने। दोस्तों मैं एक आपको बात और बताना चाहूंगा कि जो भी खोज करता है उनको रट लीजिए या जैसे भी आपको याद करना है कर लीजिए, क्योंकि एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि इसकी खोज किसने की, ऑक्सीजन की खोज किसने की, प्रयोगशाला में सबसे पहले खाद की खोज किसने की। ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो खोजकर्ताओं के नाम है ये कम से ज्यादा 20 से 30 होंगे, तो इनको अपन याद रख सकते हैं। तो इनकी एक लिस्ट बना लीजिए पेज पे और इसको अपने रूम में चिपका लीजिए ताकि आप सुबह से शाम तक इसको देख सकें। अब क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त करते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए सामान्य लवण, ऑप्शन बी मिश्रित लवण, ऑप्शन सी अम्ल लवण, ऑप्शन डी रहेगा भास्मिक लवण। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए सामान्य लवण। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ऑप्शन ए है ब्रास्टेड ने, ऑप्शन बी लोरी ने, ऑप्शन सी डेवी ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई
कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डेवी ने। डेवी ने कहा था कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। दोस्तों ये बात भी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। कच्ची चीची को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कास्ट चारकोल का, ऑप्शन बी एनिमल चारकोल, ऑप्शन सी चीनी का चारकोल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी चीनी का चारकोल। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। बिजली में लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पायरीन अग्निशामक, ऑप्शन बी जल अग्निशामक, ऑप्शन सी झाग अग्निशामक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए पायरीन अग्निशामक, बिजली में लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्प्रेरण, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी संयोजन, ऑप्शन डी किण्वन। दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी किण्वन के थ्रू शराब का निर्माण होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्रियाएं हैं उत्प्रेरण विस्थापन संयोजन, इन सभी को याद कर लीजिए कि ये क्या कुछ है, इनके बारे में जान लीजिए ताकि जब भी कोई क्वेश्चन बने इनसे तो आप उसका डायरेक्टली आंसर दे सकें। अब हम 19 नंबर और 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके अगर 5 मार्क्स भी आते हैं 20 में से तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो आपको हिचकिचाहट जरूर होगी, एक बार शर्मिंदगी आएगी कि यार मेरे 10 ही मार्क्स आए, यार मेरे 5 ही मार्क्स आए। पर देखिए धीरे धीरे आप हमारे चैनल से या और चैनल से आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी ग्रोथ होती रहेगी। और हर कोई भी किसी ने भी अगर वीडियो अपलोड कर रखा है, मैं ये नहीं कहता कि हमारे ही चैनल का देखें, जिसने भी अपलोड कर रखा है उसमें कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ यार मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और आप कमेंट करेंगे तो आपको शर्मिंदगी होगी और आप तैयारी करेंगे उसके रूप में, क्योंकि ये कमेंट सबको दिखाई देते हैं। तो दोस्तों कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आपके मार्क्स कितने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्जेंटाइट, ऑप्शन बी कैलामिन, ऑप्शन सी नेटिव सिल्वर और ऑप्शन डी रहेगा ये सभी। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए अर्जेंटाइट। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोडियम आयोडाइज, ऑप्शन बी आइथिल ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन डी रहेगा सिल्वर आयोडाइड। तो दोस्तों कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये थे हमारे वो 20 क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे लाइव शिक्षा ट्यूब को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना जो भी मार्क्स आए हैं उसको या तो कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए या मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आए। दोस्तों फेलियर के बाद ही सफलता आती है, और मैं आपको बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए आपके पास काफ़ी उपयुक्त समय है। दोस्तों इस समय को बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि समय वापस नहीं आता, और मेरे को लगता है कि इसमें 100% चांस है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि आपके लिए मतलब आप इस रेलवे ग्रुप डी में भर्ती हो सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों लाइव शिक्षा ट्यूब का ये वीडियो देखने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।